भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के तत्वाधान में नगर निगम सभागार में भारतीय जनता पार्टी का 37वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई थी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने थे। आपको बता दें कि पार्टी की केंद्र के अलावा 17 राज्यों में सरकार है। 1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया था, लेकिन बाद में जनता पार्टी के जनसंघ गधड़े ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी नाम से एक अलग पार्टी बना ली थी। भाजपा ने 1984 के लोकसभा चुनाव में महज 2 सीटें जीती थी। इस समय केंद्र में सत्ताधारी भाजपा गठबंधन के पास लोकसभा की 330 से ज्यादा सीटें हैं, जिसमें 282 सीटें अकेली भाजपा की हैं। आप कल्पना करिए, जिस दल को यानी एक एक तिनका करके जोड़ा हो, सींचा हो और ये कहा जाए कि इस दल को समाप्त कर दो, देश की आज ऐसी परिस्थिति है। जब 1975 में देश में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, इमरजेंसी लगाई, देश में सब प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर एक तरह से तानाशाही के माध्यम से उनको रोकने का प्रयास किया, कि देश के लोगों ने उस समय तय किया कि नहीं, सारे विपक्ष को एक होना चाहिए, सारे दल को एक मिलकर के एक दल बनाना चाहिए, तो उस समय जनसंघ ने अपने आप को समाप्त कर जनता पार्टी का निर्माण किया। इसलिए जनसंघ की यात्रा जो 1952 से प्रारंभ, 51 से प्रारंभ हुई 1975 तक, और 1975 से लेकर के जो जनता पार्टी का कालखंड है 1980, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। मित्रों, यानी हमारा दल, जिस दल के हम कार्यकर्ता हैं, वो दल कैसा है, वो दल क्यों बना, वो दल केवल कुछ लोगों को सत्ता मिल जाए, कुछ लोग एमपी एमएलए बन जाए, कुछ लोग मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, केवल इतने मात्र के लिए भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ नहीं बना। स्वाभाविक है, राजनीतिक रूप में, राजनीतिक क्षेत्र में जब हम काम करेंगे तो कुछ लोग जनप्रतिनिधि भी बनेंगे, चुन करके भी आएंगे, उनको भी मान सम्मान मिलेगा, लेकिन वो मान सम्मान के माध्यम से करना क्या चाहते हैं? हम देश के अंदर कौन सी दिशा तय करना चाहते हैं, कौन सा विचार देना चाहते हैं, हमने राजनीतिक दल बनाया क्यों? जब 1951 में देश की आजादी के बाद पहला मंत्रिमंडल गठित हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और पहला मंत्रिमंडल गठित हुआ, उस मंत्रिमंडल में 2 गैर कांग्रेसी नेताओं को शामिल किया गया महात्मा गांधी की सिफारिश पर, और 2 गैर कांग्रेसी नेता थे, एक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनका चित्र लगा है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और दूसरे थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। दोनों की प्रतिभा, योग्यता, क्षमता के आधार पर उनको सम्मिलित किया गया उस समय मंत्रिमंडल में, लेकिन देश 1947 में देश आजाद हुआ। किन परिस्थितियों में देश आजाद हुआ? देश का विभाजन झेलना पड़ा, और एक देश को जो अपेक्षा थी कि आजाद भारत के बाद जिनके हाथ में नेतृत्व आया है, ये नेतृत्व देश की एकता और अखंडता को कायम रखेगा, देश के सुनहरे सपने, जिन सपनों को लेकर के देश की आजादी, देश को आजाद कराने के लिए हमारे रणबांकुरों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे, उन सपनों को साकार करने के लिए जो आजाद भारत की नई सरकार है, ये आगे बढ़ेगी। तो ये हमारे पूर्वजों ने हमें ये जो विरासत दी है, उस विरासत को हम संवारे। मित्रों, आज हम बड़े बड़े भागी हैं कि हम भारत में हमारी सरकार है, देश के अन्य अन्य प्रदेशों में हमारी सरकार है। हमारे लोग, हमारे जो पूर्वज थे, 3-3 पीढ़ी उन्होंने लगा दी केवल राष्ट्रीय विचार के लिए, जनसंघ के साथ वो चले और चलते चलते केवल उस समय ये मालूम था कि हम सरकार नहीं बना पाएंगे, फिर भी अपने विचार के लिए वो आगे अग्रसर रहे, बढ़ते रहे। मित्रों, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, आप सबकी पार्टी है, इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई जातवाद नहीं, केवल जो मेहनत करता है वो कार्यकर्ता आगे बढ़ता है। बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे बीच में ऐसे हैं जो निरंतर पार्टी के लिए काम करते हैं, संगठन के लिए काम करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं मांगते। ऐसे बहुत सारे अनेकों कार्यकर्ता हमारे फरीदाबाद में हैं। मैं उदाहरण देता हूँ, मूलचंद मित्तल जी हैं, गिराद कोट जी, बहुत सारे ऐसे असंख्य, मतलब सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं माना,
वो एमरजेंसी के दौर से इस पार्टी के साथ साथ लगातार चलते रहे, पार्टी के विचार के साथ चलते रहे। पार्टी का जब भी वो काम होता था, पार्टी का चुनाव होता था, तो चुनाव में अपना काम छोड़कर सारे लोग लगते थे। ये सब कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मित्रों, मैं तो ज़्यादा ना कहता हूँ, क्योंकि विशेष रूप से हमारे संगठन मंत्री जी ने हमें विस्तृत रूप से हमें बता दिया, मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता। माननीय कृष्णपाल जी हमारे बीच में है, उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। मैं तो यही कहूँगा कि एकजुट होकर, क्योंकि हमारी सरकार है, हमारे देश में सरकार है, प्रदेश में सरकार है और निगम में हमारी सरकार है, तो हम सब कार्यकर्ताओं का एक अदृश्य जिम्मेवारी बन जाती है कि हम अपने संगठन की बात को, हम अपने सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं और अपनी जिम्मेवारी का एहसास करते हुए पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाएं। मैं आपको हृदय से हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम पार्टी के काम के विस्तार को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस नारा लगाती थी ये बैकवर्ड विरोधी पार्टी है, ये दलित विरोधी पार्टी है, और मित्रों ये तो मुस्लिम विरोधी पार्टी है। मगर इस बीजेपी की सरकार ने करके दिखाया कि अगर बैकवर्ड का हितैषी कोई है या दलित का कोई हितैषी है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है, जिसने बैकलॉग लागू किया और सभी डिपार्टमेंटों को आदेश हो चुका है कि वो अपने अपने डिपार्टमेंटों में नौकरियां जितनी खाली है वो दें। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री ने हरियाणा की जनता के लिए ये काम चालू किया है। और दोस्तों, मैं कल पानीपत में था, एक कश्यप समाज का सम्मेलन हुआ, इतनी बड़ी तन्मयता से वहां लोग बैठे हुए थे, उसमें केंद्रीय मंत्री दीदी निरंजन देवी भी आई थी, मुख्यमंत्री जी भी थे। मित्रों, ये सरकार एक हरियाणा एक हरियाणवी की तरफ से चल रही है। मैं अपने संगठन मंत्री जी को भी कह रहा था कि आज से पहले जितने मुख्यमंत्री जी आए, हो सकता है मेरी बात किसी को कुछ थोड़े बहुत लोगों को गलत भी लगे, मुझे संकोच नहीं कहने में। कृष्णपाल जी, इससे पहले की जितनी भी सरकारें थी वो एक क्षेत्र और एक वर्ग की राजनीति करने वाली थी। आप तो हरियाणा के बहुत बड़े नेता, आपको तो सारा पता है। दोस्तों, ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री आया जो न किसी क्षेत्र की राजनीति करता, न किसी वर्ग विशेष की राजनीति करता, ये तो केवल और केवल राजनीति करता, तो 36 बरादरियों की राजनीति करने वाला आदमी पहली बार हरियाणा में राज कर रहा है। लोग तो कहते थे लालों की सरकार चलती है, मैं भी कहता हूं कि हरियाणा के अंदर 3 लाल आए, 300 परिवारों को भला किया, चौथा लाल आया 2,70,00,000 लोगों का भला करने वाला आपके बीच में आदर के मनोहर आया है। तो मित्रों, हम तो ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ऐसी सरकार के कार्यकर्ता हैं जो सबका साथ और सबका विकास कर रही है। और कि 5th इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग कंपटीशन जो कि 27 से 30 मार्च को कोलंबो श्रीलंका में हुआ था, और मुझे आपको बताते हुए बहुत ही खुशी और हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमारे फरीदाबाद के 2 नौजवान, जिनमें से एक गुरदीप बख्शी जो कि 105 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीत करके भारत का नाम रोशन किया, और दूसरे रविंदर सिंह, उन्होंने भी 95 किलो वर्ग के वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। इन दोनों युवा प्रतिभाओं का बहुत बहुत आपकी तालियों से स्वागत। सबसे पहले मैं आप सबको आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उन सब बातों को दोहराना नहीं चाहूँगा, और मैं आज खास तौर से बधाई देना चाहूँगा अपने पिछड़ा वर्ग फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष भाई हरेंद्र भड़ाना जी को, जिनके सहयोग से आज का ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उनकी पूरी टीम बधाई देता हूँ। आज के दिन में 1980 में भारतीय राजनीति में हमेशा के लिए कायापलट का काम शुरू हो गया था, यह आज ही का दिन है जब भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई थी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की ये यात्रा, ये सफर बहुत पुराना है, बहुत लंबा है। इसमें हमारे लाखों कार्यकर्ताओं का समर्पण, ऊर्जा, संकल्प
इस सब का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब ये भारतीय जनता पार्टी आज यहां पहुंची है, जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, उसके बाद 1984 का लोकसभा का चुनाव आया। आप अच्छे तरह जानते हैं तब तो यहां बैठे हुए बहुत से लोग पैदा भी नहीं हुए। तब दो लोकसभा के सांसद जीत के आए थे 1984 में। शुरुआत थी और आज क्या हालत है, आज 2 से 281 सांसद आज लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के, 1358 विधायक हैं, 13 प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकारें हैं और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसके 11 करोड़ सदस्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी। इससे पहले ये रिकॉर्ड चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नाम था। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है जिनकी मेहनत और परिश्रम से आज ये पार्टी दुनिया की सबसे शक्तिशाली पार्टी बनी। मित्रों, बातें बहुत हैं और आप ये भी जानते हैं आज भारतीय जनता पार्टी का सर्वोत्तम समय है। और यही एक पार्टी है जो विशुद्ध रूप से विचारधारा से लिखी हुई पार्टी है। कोई आंदोलन से या किसी परिवार से निकली हुई पार्टी है, शुद्ध रूप से विचारधारा से। जनसंघ के समय पंडित दीनदयाल, श्याम प्रसाद मुखर्जी, लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोज जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, ऐसे नेताओं से ने इस पार्टी का नेतृत्व किया है। उनका आचरण, उनका व्यवहार, आज उन सबसे प्रेरणा लेने की जरूरत है कि हम कार्यकर्ताओं का आचरण व्यवहार भी ऐसे नेताओं के अनुरूप हो। आज का दिन ही संकल्प लेने का, उन्हीं के कारण इस पार्टी का उदय हुआ है। इसलिए हमें ये सारी चीजें याद रखनी होंगी। और आप ये भी जानते हैं ये पार्टी कभी अगर काम करती है, अब देखो इस पार्टी के सारे कार्यक्रम देखिए, इस पार्टी के तमाम कार्यक्रम इस देश की समस्याओं के लिए, इस देश के उत्थान के लिए, सारे कार्यक्रम इसको ध्यान में रख के बनाए। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के 38वें स्थापना दिवस पर तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को, तमाम देशवासियों को और प्रदेशवादियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर इस देश में विचारधारा से निकली हुई विशुद्ध रूप से कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और 38 साल का ये भारतीय जनता पार्टी की यात्रा और सफ़र संघर्षों और बलिदानों का सफ़र है। आज इस मुकाम पर को पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने जिस ऊर्जा, दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ पार्टी के लिए सब कुछ नौशावर किया है, आज उनके कारण भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जिसके 11 करोड़ सदस्य हैं, 281 सांसद हैं, 1358 विधायक हैं, 13 प्रदेशों में जिसकी सरकार है, तो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और आज आज़ादी के बाद अगर किसी पार्टी के पास सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी के रूप में है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है।
और मैं एक बात और कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा, अगर इस दुनिया में और इस देश में महात्मा गांधी जी के सुराज के सपने को और विवेकानंद जी के जगद्गुरुई भारत के बनने के सपने को कोई पार्टी साकार कर सकती है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हम कहते हैं ये पार्टी नहीं परिवार है, ये संस्था नहीं सरकार है। भारत माता की जय। सर आपने कहा एक विजन एक मिशन, सर ये क्या एक विजन एक मिशन के बारे में आपने कहा? देखिए मैंने ये कहा था आज ये पार्टी अगर हिंदुस्तान की सबसे मजबूत पार्टी है, सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी है और सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी है तो इसका श्रेय एक मिशन और एक विजन से जो हमारे नेताओं ने हमारे साथियों ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने इस विजन एक विजन और एक मिशन के साथ काम किया है ये श्रेय उनको जाता है। उसके कारण ये पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वो विजन है, मिशन क्या है? देखिए विजन आपको बताया है, हम विचारों से आधारित पार्टी है, शुद्ध रूप से विचारों से निकली पार्टी है, किसी एक व्यक्ति या एक परिवार के कारण ये पार्टी नहीं निकली है। इसलिए ये किसी विजन को लेकर और वो विजन है इस देश को उत्थान करना, इस देश को दुनिया का शक्तिशाली राष्ट्र बनाना, यही उसका मिशन है। देखिए हमने हमेशा कहा है कानून अपना काम करेगा और कानून में कोई रुकावट नहीं है। किसी ने भी कानून का अगर दुरुपयोग किया है वो कोई भी हो, कृष्णपाल गुर्जर हो या कोई और हो, उसके लिए कानून बना और कानून अपना काम करेगा। फरीदाबाद के अभी दो खिलाड़ी श्रीलंका से जीत के भी आए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं सरकार की तरफ से कहीं से कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती, किस तरह आप केंद्रीय मंत्री? देखिए हरियाणा सरकार ने खेल नीति बनाई हुई है और ये पहली हिंदुस्तान में पहली बीजेपी की हरियाणा में सरकार है जिसने ओलंपिक विजेता के लिए विश्व विजेता के लिए अलग से इनामों की घोषणा की है और सिर्फ इनाम ही नहीं उनको रोजगार भी नौकरी भी देने का उनको काम करती है और गोल्ड मेडलिस्ट को 5 करोड़ और जो सिल्वर मेडलिस्ट हैं उनके लिए 4 करोड़ और जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं उनके लिए 2.5 करोड़, इससे बड़ी राशि पूरे देश में कहीं नहीं मिलती और उसके नियम कानून नई खेल नीति बनी है उसमें जो भी आते हैं उन सबका सम्मान और उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है।